तो जी बस यहाँ पर जो मैं कर रही थी बच्चों के यूनिफॉर्म जो वो प्रेस, सुबह का टाइम है अभी, प्रेस करूँगी फिर बच्चों को जो है ना स्कूल के लिए उठाऊँगी, बच्चों को बिस्तर से अभी सोए हुए सब, और मैं यहाँ पर कर रही थी इस्त्री। सज्जाद उठ जाओ, अभी काफी सो लिया, आज पेपर भी इनका देने जाना है और ये लोग यहाँ पर पेपर भी याद कर रहे हैं उठकर। और बड़ी वाली जो बेटी है ना वो उठकर पेपर याद कर रही है, और साबिर अभी नींद से उठा है, वो भी यहाँ पर पे किताब लेकर बैठा हुआ है। सज्जाद को बहुत ज्यादा नींद आ रही है लगता है आज। उठो सज्जाद, उठ जाओ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने चाय बना ली थी, और साथ में बिस्किट जो है ना बच्चे ले आए थे, सब बिस्किट जो है ना निकाल के हम लोग चाय से खाएंगे, और ये लोग फिर जो है ना स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, पेपर है इनका आज। तो जी बस चाय हमने पी ली और सज्जाद यहाँ पे चाय पी रहा है, तो बस अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे, अभी इनका रक्षा भी आने वाला है और पेपर भी इनके आज थे, तो ये जल्दी जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे। और साबिर को जो है ना खांसी हो चुकी है ठंड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, तो ये बच्चे जो है ना बाहर जाते वक्त ना टोपी पहनते हैं ना जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं, तो फिर इसी वजह से इसको ठंड हो गई है। शुरू में डाला अच्छा माम यहाँ पे क्या कर रही हो, चाय नहीं पी रही हो आप? नहीं। और उसे ठंड भी लग रही है फिर भी ये नारंगी सुबह सुबह खा रही है, और उसे यहाँ पर सब रेडी है, रक्षे वाले का इंतजार कर रहे हैं, बस जैसे ही रक्षा आता है तो ये लोग निकलेंगे स्कूल के लिए। अच्छा माँ हम तो वैसे ही खुद देर करती है, इसने अभी सॉक्स वगैरह भी नहीं पहने, और आज ये सुबह में नाश्ता नहीं करती है ना, इसे दिल नहीं चाहता ऐसा कुछ भी खाने को, तो आज ये ऑरेंज रखा हुआ था तो बस यही इसे खा रही है। सजाद आपने याद कर लिया? हाँ सर याद है, थोड़ा घना थोड़ा चलो आई पेपर अच्छा देकर थोड़ा आना। नींद आई थोड़ा नींद आए। तो जी बस सुबह का टाइम हो चुका था, कपड़े मैंने प्रेस कर दिए और रखे हैं बाहर, और काफी यहाँ का मौसम जो है ना ठंडा हो चुका है, और यहाँ से जो है ना मैंने सारे ये पर्दे लगा लिए थे, तो फिर अब इतना ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता बाहर। और यहाँ पर जो तख्त रखा हुआ था वो मैंने कर दिया था उसको उस साइड बाहर उस तरफ, और यहाँ पे मैंने कुर्सियाँ रख दी थी कि कोई भी जो है ना बैठे। और शाम का टाइम है ना तो सब दोपहर में धूप के अंदर, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हल्की धूप आती है तो हर कोई जो है ना यहाँ धूप पर बैठ जाता है कुर्सियों पर। और ये हमारा जो है ना माशाल्लाह से जहाँ दरख्त है एलोवेरा का, ये काफ़ी सर्दियों के मौसम में ना अच्छा हो गया। और यहाँ पर जो है ना इसका ये फूल निकला है, ये है फूल, ये अच्छे से बड़ा होता जाएगा और इसके सारे बीज जो है ना उसके ऊपर गिरेंगे, तो माशाल्लाह से ये और ज़्यादा बढ़ेगा। और यहाँ पर जो है ना अभी बाहर का कुछ भी ऊपर का नज़र नहीं आता, जो हमारे कबूतर वगैरह आते थे ना वो कुछ भी नज़र नहीं आता, तो सारे बंद कर दिया था हमने। तो बस अब जो है ना मैं चाय रखूंगी और बच्चों को उठाऊंगी। वर्ष बच्चे जो है ना अब जा रहे हैं, रक्षे वाला आ चुका है। कहाँ है वह रक्षा? आगे खड़ा है, तो रिक्शा आगे खड़ा है और ये जा रही है। अल्लाह हाफिज। तो जी वर्ष चिकन जो है ना मैंने भून कर उसके अंदर जो है ना शिमला मिर्ची और ये बंद गोभी हमने काटी थी छोटे छोटे टुकड़ों में, वो भी मैंने ऐड कर दी है, और इसको जो है ना अभी मैं थोड़ी देर पकाऊंगी अच्छे से, और जब हमारी ये बंद गोभी और शिमला मिर्च है ना सॉफ्ट हो जाएगी तो बस मैं इसके अंदर जो मैक्रोनी जो हमने उबाल ली थी वो ऐड कर देंगे, और साथ में सोया सॉस और चिली सॉस जो है ना डालेंगे ताकि थोड़ी सी स्पाइसी हो जाए। और मसाला जो है ना मैंने तिकन तिक्के का जो मसाला होता है मैक्रोनी टिक्का मसाला,
तो वही मैंने इसके अंदर ऐड किया था। बाकी मैंने दूसरे घर के मसाले ना कुछ नहीं डाला, सिवाय नमक और साबुत धनिया और जीरे के, और मैंने कोई इतना मसाला नहीं इसके अंदर ऐड किया। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिलाकर उसे 2-3 मिनट दम पर पकाऊंगी, ताकि ये जो है ना हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो जी वर यहाँ पर जो है ना मैंने मैक्रोनी का जो मसाला था वो मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दिया है इसे दम पे पकने के लिए। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटन, और मटन को भी मैंने जो है ना ऑयल में इसको थोड़े से ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, ताकि जो है ना मैं इसका जो कच्चापन है उसकी बदबू जो है ना वो निकल जाए। तो फिर मैं इसके अंदर मसाले डालकर उसे पानी डालकर जो है ना फिर पकने रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने जो है ना चिकन डाल मटन का गोश्त ऐड किया, और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ताकि इसके साथ हम अच्छे से भून सकें इसे। तो बस आज किचन में बैठा था तो सोचा था कि दोनों चीज़ें ही जल्दी जल्दी तैयार कर लूँ, और टाइम जो ना बहुत जल्दी गुजर जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो बस साथ ही साथ मैंने सोचा मटन भी साफ़ कर दूँ, और बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे, किचन का भी साफ़ नहीं किया। तो बस ये दोनों चूल्हों के ऊपर रख दूँगी पकने के लिए, और फिर मैं जो है ना किचन जब तक किचन जो है ना हमारा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैंने बर्तन वगैरह धोए, किचन रह गया ऐसे। और ये जो है ना मैं मसाले का पत्थर लेकर आई थी लाहौर से, बड़े ही मज़े का इसके अंदर जो है ना मसाला पीसे जाता है, और बिल्कुल आराम से जो भी हमें चीज़ पीसनी हो ना बिल्कुल झटपट इसके अंदर पीस लेती हूँ। तो बस लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने फ्रेश ही पीसा था और इसके अंदर ऐड कर दिया था। जी व्यूअर्स, यहाँ पर जो है ना मेरी जो बंद गोभी और शिमला मिर्ची थी वो नरम और सॉफ्ट हो चुकी थी, और चिकन भी हमारा साथ में गल चुका था, तो मैंने ऐड कर दिया है। साथ में मैक्रोनी जो हमने उबाली थी गाजर और मटर के साथ, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। तो बड़े ही मज़े की लग रही है, और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बस दिल जा रहा है कि बस मैं इसी में से ही जो है ना निकाल के खा लूँ, बहुत मज़े की लग रही। तो काफ़ी मुझे ना पसंद है स्पैगेटी और मैक्रोनी और पास्ता, जो भी है ना मुझे बहुत पसंद होता है, ये चीज़ें खाने में मज़ा भी आता है, और साथ साथ बच्चे भी जो है ना इसको फुल इंजॉय करते हैं, खाकर बहुत मज़ा लगता है। तो अब मैं जो है ना इसको आखिर में ऐड करूँगी। यहाँ पर मेरे पास चिली सॉस है, तो वो थोड़ा सा मैं अब इसके अंदर ऐड करूँगी, जितना हमें डालना होगा थोड़ा सा ये ऐड करूँगी। और मैं जो इसके साथ है ना सोया सॉस, सिरका तो मेरे पास जो है ना ख़त्म हो चुका था, और मेरे पास घर में यही सोया सॉस रखा हुआ था, तो ये भी मैं साथ साथ इसके ऐड कर दूँगी जितना मुझे चाहिए होगा। तो इससे ना चल सोया सॉस से बड़े मज़े की खुशबू आती है, खाने पता लगता है कि वाकई हम मैक्रोनी खा रहे। और फिर जो है ना आखिर में मैं कुटी हुई काली मिर्चें भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि इसका जो मज़ा है ना वो तो फिर अपना ही होता है काली मिर्चों का। आप लोग को भी पता होगा के ब्लैक पेपर जो हम जब ऐड करते हैं तो इसकी क्या ही मज़े की खुशबू होती है। तो बस इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो जी भी बस चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, मैक्रोनी हमारी माशाल्लाह से रेडी हो गई, और खुशबू ही मज़े की आ रही है। अब मैं निकालती हूँ इसे प्लेट में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं इस प्लेट में निकाल कर और फिर ले जाऊँगी अंदर, ट्राई करेंगे कि किस तरीके से बनी हुई है। चलो, तो जी व्यूअर्स मैक्रोनी जो है ना काफ़ी गर्म है, टेस्ट करके बताती भी, और आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया था सुबह में, तो इस वजह से मैंने जो है ना जल्दी जल्दी बना लिया था। अब मैं इसे थोड़ा ट्राई करूँगी, जब तक बच्चे आएंगे फिर साथ खाएंगे हम।